बात जब राजस्थान की हो तो रेगिस्तान और रेगिस्तान के टीले सबसे पहले हमारे जेहन में आते हैं। इसके बाद शहीदों की धरती और कहीं सूखा तो कहीं हरा भरा खेत आंखों के सामने आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह सच धूमिल सा होता जा रहा है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा राजस्थान में उभर रही है वो है आतंक के पेड़। उसी आतंक के पेड़ जो तेजी से राजस्थान में फैलता जा रहा है। पुलिस हर बार जब किसी गैंगस्टर का खात्मा करती है तो वही घिसा पीटा बयान देती है कि अब राजस्थान में गैंगस्टरों का सफाया हो चुका है। लेकिन यह बयान कितना सच है यह हम रोज देखते और सुनते हैं, क्योंकि राजस्थान में हर रोज एक नए गैंगस्टर का नाम और चेहरा न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल हमारे सामने लाकर रख देते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्राइम कहानी और मिलते हैं राजस्थान के उन पांच चेहरों से जो देश में राजस्थान का नाम कमा नहीं रहे बल्कि गंवा रहे हैं। मिलिए कहानी के चेहरे नंबर पांच से, यानी गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन से। अलवर जिले के पहाड़ी गांव का निवासी विक्रम लादेन कितना कुख्यात हो सकता है यह अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी गैंग का नाम भी लादेन रखा हुआ है। विक्रम लादेन वह चेहरा है जिसने सैकड़ों युवाओं को अपने काले जाल में फंसा रखा है। वह काला जाल जिसमें एक बार एंट्री के बाद पीछे कदम रखने का ऑप्शन भी लादेन किसी को नहीं देता। विक्रम लादेन अपने आप को युवाओं के सामने ऐसे पेश करता है कि जिस दुनिया में वो है उसमें बहुत नाम है, ऐश है और पैसा है, भला एक इंसान को इन सब के अलावा और क्या चाहिए। कहानी के दूसरे चेहरे की ओर, यानी जोधपुर चलते हैं। यहाँ 007 गैंग के लीडर श्री राम मांझू उर्फ राजू मांझू से मिलिए। राजू मांझू वह चेहरा है जो लोगों की आंखों में खटकता भी है और चमकता भी है। चमकता इसलिए क्योंकि राजू मांझू गौ सेवा के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके गुनाहों के आगे यह सेवा ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। आज मारवाड़ में राजू मांझू अपराध की दुनिया का उभरता चेहरा है, लेकिन राजू मांझू की एक नेक बात यह भी है कि उसने कभी किसी युवा को इस अपराधी दुनिया में आने को प्रेरित नहीं किया। राजू मांझू का कहना है कि मुझे इस दुनिया में मजबूरी में आना पड़ा। अब कहानी का तीसरा चेहरा पंजाब से इसलिए क्योंकि यह चेहरा है तो पंजाब का, लेकिन राजस्थान में इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। यह चेहरा है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई दहशत की दुनिया का वह चेहरा बन गया है। अगर उसका सिक्का उछाला जाए तो हेड भी उसी का आएगा और टेल भी उसी का आएगा। लॉरेंस बिश्नोई के अपराध की एंट्री उसके कॉलेज टाइम से शुरू हुई थी। तब उसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको सोपो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन आज भी यह ग्रुप पूरे बेबाक तरीके से चल रहा है और हजारों युवा इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कहानी का दूसरा चेहरा सेकावाटी के सीकर जिले का गैंगस्टर राजू ठेठ। वर्तमान में राजू ठेठ की एंट्री के कयास राजनीति में लगाए जा रहे हैं और यह सही भी है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ज्यादातर अपराधी राजनीति का ही सहारा लेते हैं। सेकावाटी में राजू ठेठ की गैंग आरटीजी ग्रुप के नाम से चलती है और वर्तमान की स्थिति यह है कि इतने बड़े अपराधी के आगे बड़े बड़े नेता भी माथा टेकते हैं। राजू ठेठ पर हत्या की कोशिश, लूट, फिरौती जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कहानी का सबसे टॉप चेहरा है गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। साल 2017
2017 में आनंद पाल मारा गया, लेकिन राजस्थान के टॉप गैंगस्टर के लिस्ट में आनंद पाल का नाम आज भी सबसे ऊपर है। जब आनंद पाल को मारा गया तब राजस्थान पुलिस ने दावा किया था कि अब राजस्थान से अपराध का खात्मा हो चुका है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। आज भी आनंद पाल की गैंग जिंदा है, जिसने गैंगस्टर आनंद पाल के खौफ को भी जिंदा रखा हुआ है।